हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमकेएस फिजिक्स क्लासेस। वी विल डिस्कस नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद चैप्टर वाइज। तो आज हम SHM में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, पार्ट 5। तो SHM के क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM ऑस्किलेशन व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड इज। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM ऑस्किलेटर व्हेन द पार्टिकल इज हाफ वे टू इट्स एंड पॉइंट इज। अगर हमारा पार्टिकल जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की हाफ डिस्प्लेसमेंट पर है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये हमारी मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो मोशन हो रहा है, SHM जो हो रहा है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है SHM का वो प्लस ए है और इधर किधर है माइनस ए। तो यहाँ पर ए बाई टू डिस्प्लेसमेंट पर मीन पोजीशन से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। x जगह हम क्या पुट करेंगे, ए बाई टू, तो हमारा बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। x जगह हम पुट करेंगे a अपॉन a, तो इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर अपॉन 4। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी 1/4 × 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो पोटेंशियल जो एनर्जी होगी हमारी कितनी हो जाएगी, 1/4, और ये दिस इज अ टोटल एनर्जी ऑफ SHM। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 e। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM डिपेंड्स ऑन। तो जो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर की जगह पे k अपॉन m, तो m से m कैंसिल होगा, तो टोटल एनर्जी हमारी निकल के आएगी 1/2 k a स्क्वायर, जहाँ पर k क्या चीज़ है आपका कांस्टेंट, a क्या है एम्पलीट्यूड। तो हमारी जो अगर हम बात k को भी एक टर्म ले लेते हैं तो किस किस पर डिपेंड है, k पर और a पर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, b ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभी के दे रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑस्किलेट्स विद SHM बिटवीन पॉइंट्स x1 एंड x2, द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग ओ, इट पोटेंशियल एनर्जी प्लॉटेड इट विल बी एज गिवन बिलो इन द ग्राफ। तो हमारी एक जो मीन पोजीशन है ओ, तो उसके x1 और x2 डिस्प्लेसमेंट पर कोई पार्टिकल जो है SHM कर रहा है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखना है। तो अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, जीरो होती है, और एट एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। अगर हम देखें यहाँ पर x1 और x2 मीन पोजीशन, अगर हम इस पे देखते हैं तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखो मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, और x1 x2 पर भी क्या है, जीरो, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो है, x2 पर क्या है पॉजिटिव, x1 पर क्या है निगेटिव, ये भी नहीं हो सकता। अब इस पे देखो पोटेंशियल एनर्जी, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, और यहाँ पर x1 पर जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कुछ ना कुछ होगी वैल्यू x2 पर, और x1 पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल वैल्यू होगी। अब इसका जो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं मिला हमें, स्ट्रेट लाइन क्यों इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, 1/2 k x स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर, इसमें जो है पैराबोलिक ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये तो पैराबोलिक है नहीं, पैराबोलिक ये है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा।
डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, देखना है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बीच। तो इसमें हम क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज। तो इसमें ऑप्शन हमारा है प्लस माइनस a/2, प्लस ए, प्लस माइनस ए और माइनस ई। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम होती है, जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। कहने का मतलब मीन पोजीशन और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और एम्पलीट्यूड प्लस ए और माइनस ए पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो वही चीज़ है, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो। तो अगर हम प्लस ए पर बात करते हैं, किस पर बात करते हैं, प्लस ए पर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, मैक्सिमम होगी। और माइनस ए पर भी हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट, सॉरी इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट 2×10⁶ न्यूटन पर मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट 0.01 मीटर हैज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 160 जूल इट्स। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ऑप्शन है इज 160 जूल, सेकंड है जीरो और थर्ड है 100 और फोर्थ है 120 जूल। तो क्या कह रहा है, अ लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑस्किलेटर में जो फोर्स कांस्टेंट है के, वो कितना हमारा 2×10⁶ न्यूटन पर मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.01 मीटर हैज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी 160 जूल। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन एम। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2, के कितना गिवन था हमारा 2×10⁶ इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन था 0.01, स्क्वायर हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 0.01 इक्वल टू, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 10⁶ × 10⁻⁴। तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है 10⁻² और 10⁻² को हम क्या लिख सकते हैं 100। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी 100 जूल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन अ SHM व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 द एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1/2 है एम्पलीट्यूड का, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट 1/2, सेकंड है 3/4, थर्ड है 0, फोर्थ है 1/4। तो हम सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ ओमेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू एम। तो कहने का मतलब ये हो जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम ओमेगा ब्रैकेट में ए ओमेगा स्क्वायर और होगा यहाँ पर 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/2 क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना है हमारा a/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एम। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी फाइंड होकर के आई, 1/2 ओमेगा स्क्वायर ये 4a² - a² 3a² / 4 इंटू एम। और टोटल एनर्जी की हम बात करेंगे तो टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इनको, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे 3/4 × 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा 3/4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 3/4 जो ऑप्शन था हमारा बी, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लोडेड वर्टिकल स्प्रिंग एग्जीक्यूटिंग SHM विद अ टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम वेरीज विद अ पीरियड ऑफ, कितना होगा। तो इसमें हम देखते हैं टाइम पीरियड 4 सेकेंड, इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन द सेम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आर रिपीटेड 2 टाइम्स, सो द डिफरेंस विल वेरी विद अ पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। क्योंकि टाइम पीरियड टी है तो हाफ ऑफ टाइम पर क्या होगा, वो रिपीट होगी चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एंगुलर वेलोसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ओमेगा, ठीक है, एंड ए रेस्पेक्टिवली। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, एम्पलीट्यूड कितना है स्मॉल ए, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर, एक्स पर। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कैपिटल टी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कैपिटल वी, देन द रेशियो ऑफ टी टू वी। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बी ऑप्शन है हमारा एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये SHM कोई पार्टिकल कर रहा है जिसकी मीन पोजिशन ये है और इसका जो एम्पलीट्यूड है प्लस ए और माइनस ए। तो एक्स डिस्टेंस पर जाकर के हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो में फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, कैपिटल टी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी गिवन है, वी। जब इसका हम रेशियो करेंगे टी अपॉन वी तो क्या होगा, इनका रेशियो करने पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो मैच कर रहा है हमारा, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, एक कोई पार्टिकल है जो SHM कर रहा है और जिसका एम्पलीट्यूड है ए और मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड की हाफ डिस्प्लेसमेंट पर जाकर के उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वी इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, हम 2 पाई अपॉन टी टाइम पीरियड अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे ए बाई टू और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई फोर। तो हमारा फाइंड होकर के आएगा 2 पाई अपॉन टी इंटू अंडर रूट 3a² अपॉन 2, अंडर रूट से 4 बाहर करोगे क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा हुआ पाई और ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा स्क्वायर का, तो ए रूट 3 अपॉन टी। जो ऑप्शन हमने दे नहीं रखे तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सी ऑप्शन ऐसा था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्प्रिंग है जिसके क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इफेक्टिव K हमें फाइंड करना है। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/Keffective इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो यहाँ से Keffective कितना आएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मास ऑफ 2 kg इज पुट ऑन फ्लैट पैन अटैच्ड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड द पैन इज नेग्लिजिबल व्हेन प्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज्ड, द मास एग्जीक्यूट SHM, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 200 Nm/m, वट शुड बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन सो दैट द मास गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पैन, g = 10 m/s². ऑप्शन गिवन हमें 10 cm, एनी वैल्यू लेस देन 12 cm, 4 cm, 8 cm। ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इस पर रखा हुआ है। तो इस पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मीन पोजीशन हम फाइंड करते हैं। तो मीन पोजीशन क्या होती है, अगर
ब्लॉक हम ब्लॉक इस पर अभी नहीं रखा हुआ है, जब हम ब्लॉक रख देंगे तो ये क्या होगी, क्या वो स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगी एक्स नॉट, और ये इस पर क्या होगा, इस पर रेस्टोरिंग फोर्स ग्रेट, अगर हम इस पर बात करते हैं तो के एक्स नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, एम जी, क्योंकि जब स्प्रिंग जो है कंप्रेस होगी तो अगर हम इस ब्लॉक को हटाएंगे तो ऊपर जाएगी, तो इस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो किधर होगा, ऊपर की तरफ, और इसका वेट किधर होगा, एम जी, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, के एक्स नॉट इजकल टू एम जी। तो यहाँ से एक्स नॉट इजकल टू हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 10/200 इजकल टू 0.10 मीटर। अब इसको हम एक्स नीचे डिस्प्लेस करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स ग्रेटर देन एम जी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, एम ए ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन एम जी। यहाँ से ए फाइंड करेंगे, ए ग्रेटर देन एम जी अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, तो ए ग्रेटर देन एम जी अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे के अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ए ग्रेटर देन आएगा हमारा एम जी अपॉन के, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा के ए कितना हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 2 × 10/200, तो हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ए ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, द एम्पलीट्यूड ग्रेटर देन द 10 सेंटीमीटर इज द मिनिमम इज जस्ट ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो कितने पर होगा, 10 सेंटीमीटर पे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास एम एंड एरिया ऑफ आर रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मास एम एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ए फ्लोर्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, इट इज गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम, इट अंडरगोज ऑस्किलेशन विद अ टाइम पीरियड कैपिटल टी। अगर हम इसके लिए देखना चाहें तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, चलो डेरिवेशन करके देख लेते हैं इसका। ऑप्शन आपको गिवन है, जब ब्लॉक जो है कितना डिप है वाटर में, एक्स एल डिप है, तो इस पर जो अपथ्रस्ट होगा वो कितना होगा, एम जी, और हम अपथ्रस्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, एम डैश जी, तो एम डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, इसका एरिया ए है और कितना डिप है, एल, तो ए एल रो जी इजकल टू एम जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन से एक्स नीचे डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे तो एफ नेट क्या होगा, यू डैश माइनस एम जी, क्योंकि अब थ्रस्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी जो टोटल लेंथ हो गई वो कितनी होगी, एल प्लस एक्स, तो इसकी अब थ्रस्ट की जगह क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी माइनस एम जी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, अब लेंथ कितनी डिप है इसकी, एल प्लस एक्स, तो एल प्लस एक्स रो जी माइनस एम जी, तो इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे ए एल रो जी प्लस ए एक्स रो जी माइनस एम जी, ठीक है। अब ए एल रो जी और एम जी कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो एफ नेट क्या आएगा, ए एक्स रो जी, तो एफ नेट यहाँ से क्या निकलेगा, ए रो जी इंटू एक्स, तो एफ नेट इजकल टू क्या हो जाएगा, इस चीज को हम क्या ले लेंगे, के ले लेंगे, के एक्स, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि जो एफ नेट जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए अगर इसका हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो टी इजकल टू होता है 2π√m/k इजकल टू 2π√। अब देखिए के एम अपॉन के की जगह क्या है, ए रो जी, तो टी, अब इसमें देखो, अब इसमें क्या होगा, टी प्रोपोर्शन 1/√a, क्योंकि ये चीज क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल 1/√a, तो इसमें जो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, देखो ब्लॉक के एरिया के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कहने का मतलब जब हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड कम होगा, और एरिया डिक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एक्सटीग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM मोशन इन शोन इन द फिगर, द एक्सिलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हमें एक्सिलरेशन फाइंड करना है 2 सेकेंड पे, हमें ये ग्राफ गिवन है, ऑप्शन है फर्स्ट पाई स्क्वायर बाई 8,
सेकेंड है पाई स्क्वायर बाई 16, थर्ड है माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, फोर्थ है पाई स्क्वायर बाई 8। तो इसमें हम देखेंगे ए मैक्सिमम, क्या देखेंगे, ये ग्राफ है हमारा, देखो यहाँ 2 सेकेंड है, यहाँ पर मीन पोजीशन पर एक्सेलेरेशन क्या होगा 0, यहाँ भी 4 सेकेंड पर क्या होगा 0। मैक्सिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है, तो 2 सेकेंड पर मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए मैक्स इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा की जगह क्या रखोगे 2π/T, उसको स्क्वायर करेंगे करोगे तो 4π/T2। एम्पलीट्यूड कितना है हमारा 1 है, और जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -π/16। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब एक्सीलरेशन माइनस में क्यों रिप्रेजेंट कर किया गया है, क्योंकि जो एक्सीलरेशन है वो हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, या फिर फॉर्मूला भी होता है यहीं पर आप माइनस लगा सकते हो, ए मैक्सिमम इज इक्वल टू -ω² a। तो यहाँ पर जो माइनस होगा तो आंसर में क्या आएगा आपका, माइनस आएगा, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 5 सेंटीमीटर बाय अ फोर्स 10 न्यूटन, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन अ मास ऑफ 2 kg इज सस्पेंडेड, ऑप्शन गिवन है हमें। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, T=2π√m/k। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, देखते हैं m की वैल्यू कितनी है हमारी, m नहीं दे रखा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, फोर्स दे रखा है, तो हम पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो F=2 हमारा क्या होगा, F=2 हमारा होता है kx, तो यहाँ से k = होगा F/x, तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो T=2π√m/k, तो m गिवन है हमें 2 kg, अपॉन k की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 200, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा π/5, फिर पाई की वैल्यू पुट करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा होगा 0.62 सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ए। थैंक यू एवरीवन, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम टॉपिक को चैप्टर वाइज लेकर के आ सकें।